रेड जोन को छोड़कर जहां पर स्कूल ओपन हो सकती है उसके लिए गाइडलाइंस तैयार की गई है। ये तय किया जाए कि क्लासरूम में कम से कम बच्चे हो, कोई शंका हो तो उसे दूर करने के लिए व्हाट्सएप ऐप का इस्तेमाल किया जाए। सरकार का ये आदेश फिलहाल स्टेट बोर्ड्स के लिए है। कोरोना वायरस के चलते देश भर में लॉकडाउन घोषित किया गया था, हालांकि अभी कुछ राज्यों में छूट दी गई है, लेकिन स्कूल कॉलेज ओपन करने की कोई रियायत नहीं दी गई थी। कोविड-19 की इस महामारी के चलते उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में फिलहाल स्कूल कॉलेज खोलने पर रोक लगाई थी, लेकिन ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई जारी करने की भी अनुमति दी गई थी। लेकिन ग्रामीण और दूर दराज के इलाके जहां पर कोरोना का प्रभाव नहीं है, वहां पर पूरी सावधानी बरतते हुए स्कूल शुरू किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए स्कूलों को सैनिटाइज करना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। शिक्षक और गांव के लोग इसके लिए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और ग्राम पंचायत के साथ मिलकर इस पर काम करेंगे, ताकि ये तय किया जाए कि क्लासरूम में कम से कम बच्चे हो, कोई शंका हो तो उसे दूर करने के लिए व्हाट्सएप ऐप का इस्तेमाल किया जाए और स्कूल एक दिन छोड़कर दूसरे दिन खोला जाए। सरकार का ये आदेश फिलहाल स्टेट बोर्ड्स के लिए है, CBSE और अन्य बोर्ड्स के लिए ये आदेश नहीं है। तो रेड जोन को छोड़कर जहां पर स्कूल ओपन हो सकती है उसके लिए गाइडलाइंस तैयार की गई है। नॉन रेड जोन में 9वीं, 10वीं और 12वीं क्लास को जुलाई से शुरू किया जा सकता है। 11वीं की क्लास अगले महीने 10वीं के नतीजे आने के बाद शुरू किया जा सकता है। वहीं 6ठी से लेकर 8वीं कक्षा के क्लास अगस्त से शुरू हो सकती है। 3री से 5वीं क्लास सितंबर में शुरू किया जा सकता है। पहली और दूसरी क्लास को स्कूल मैनेजमेंट अपने हिसाब से जब सब कुछ ठीक लगे तब शुरू कर सकती है। आपको बता दें कि जिस इलाके में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए इंटरनेट उपलब्ध नहीं है, वहां पर टाटा स्काई, दूरदर्शन या तो ऑल इंडिया रेडियो से भी पढ़ाई के लिए मदद की जाएंगी। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।